good afternoon students. Better today we will be doing numericals of chapter aggregate demand and related concepts. ठीक है, so let us see the first question. मैं hots question ही discuss कर रही हूँ क्योंकि already हम इसके numericals कर चुके हैं. ठीक है, so आज एक revision के तौर पे आपको मैं ये करवा रही हूँ. So on the basis of given diagram, answer the following questions. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिवन वन डायग्राम. उस डायग्राम के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उन डायग्राम से रिलेट करके आपने उन क्वेश्चंस का आंसर देना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक द डायग्राम रिलेट्स टू कंजम्पशन एंड सेविंग कर्व्स. सो दीज आर द एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाई डैश वाई. फर्स्ट ऑफ ऑल 45 डिग्री लाइन है, इसको हम इनकम लाइन भी कह देते हैं. सो ओ वाई. आफ्टर दैट ओके देन यू आर गिवन स्केल एज वेल. आपको ये स्केल गिवन है 50 100 150 200 और इस साइड आपको 40 का स्केल गिवन है 40 80, 120, 160 and 200. तो ये यहां से 100 तक ले जाओ ऊपर. ठीक है, परपेंडिकुलर मीट कर लो यहाँ तक और यहाँ 40 से स्टार्ट करके इसको मीट करता हुआ सी सी कर्व स्ट्रेट लाइन सी सी कर्व. इधर -40 आएगा और क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन 40 है तो सेविंग्स -40 रहेगी और ये y इक्वल टू c है यानी ये जीरो सेविंग है. तो फॉर -40 से स्टार्ट करके इस एक्सिस को मीट करते हुए आपने सेविंग कर्व बनाया. इधर हमने लिया है इनकम और इधर हमने लिया है कंजम्पशन एंड सेविंग्स. ये हमारा ई पॉइंट है. ठीक है, ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन आप ड्रॉ कर लीजिए. अभिषेक वंस यू हैव ड्रॉन रेज योर हैंड. Value of autonomous consumption. What is the value of autonomous consumption? ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया. ओके, ऑटोनॉमस कंजम्पशन. अब ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होती है? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. लेकिन ये टेबल तो नहीं है, यहां से हमें कैसे पता चलेगा जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कौन सी है? तो जिस वैल्यू पे इंटरसेप्ट बना रहा है वाई एक्सिस, यहाँ पे 40 पे इंटरसेप्ट बन रहा है यानी 40 से ही स्टार्ट हो रहा है. इंटरसेप्ट का मतलब ओरिजिन से, ओरिजिन और वाई एक्सिस का डिफरेंस, उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं. ठीक है, तो ये 40 का इंटरसेप्ट बन रहा है विच मीन्स इन ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज रुपीज 40. तो लिख लीजिए इसका आंसर. कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ रुपीज 40 करोड़ ऑन वाई एक्सिस. देयरफॉर ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इक्वल टू रुपीज 40 करोड़. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम और एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स इज जीरो. व्हाट इज ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम और
एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर जीरो। तो बेटे ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम वो होता है जहां पर कंजम्पशन इनकम के बराबर हो जाती है। तो जहां पर कंजम्पशन इनकम के बराबर है वहां पर सेविंग्स जीरो होगी ऑब्वियसली। सो लेट अस फाइंड आउट एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर जीरो और एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम इज देयर ब्रेक इवन पॉइंट। कौन से पॉइंट पे ब्रेक इवन पॉइंट हमारा आ रहा है? एट दिस पॉइंट इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। दिस पॉइंट अकर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू कॉरेस्पॉन्ड्स टू इनकम इक्वल टू 100। ठीक है, सो एट दिस पॉइंट देयर इज अ ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, पता चल गया। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेविंग्स भी क्या है? जीरो है। तो हाउ वुड यू राइट ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स? ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम और सेविंग्स इक्वल टू जीरो। सो हियर ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम इज रुपीज 100 करोड़। आपको दिख रहा है कि 100 करोड़ पे कंजम्पशन भी 100 करोड़ है और इनकम भी 100 करोड़ है। इन अदर वर्ड्स सेविंग्स जो है वो जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट बेटे थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच इज एपीसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू, हाउ मच इज एपीसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई। जो पॉइंट ई है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एपीसी क्या है? अब हमको पता है एपीसी क्या होता है, सी अपॉन वाई। एपीसी इज सी अपॉन वाई। तो पॉइंट ई के कॉरेस्पॉन्डिंग एपीसी हाउ मच इज द कंजम्पशन? 100। एंड हाउ मच इज द इनकम? 100, है ना। ये देखो यहां पे 100, ये भी कंजम्पशन भी 100 हो रही है, इनकम भी 100 है। तो इसका मतलब 100 अपॉन 100 इक्वल टू y, क्योंकि बेटे e जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट होता ही वही है जहां पर कंजम्पशन इनकम के बराबर है। तो अगर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम रहेगी तो रेशो आएगी 1। ठीक है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.6 डिटरमाइन द कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। ठीक है, हमें कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को डिटरमाइन करना है। तो व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? इट इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सो सी बार इज 40, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, बी इज 0.6 एंड साथ में y आ गया। दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन। नाउ कमिंग टू द सेविंग फंक्शन, हाउ वुड वी कैलकुलेट सेविंग फंक्शन? सेविंग फंक्शन को कैलकुलेट करने के बेटे दो तरीके हैं। एक, आप इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दीजिए, ठीक है। दूसरा, आप ये वाला फॉर्मेट, आपको कंजम्पशन फंक्शन का पता है ना, c इज इक्वल टू c बार प्लस बी वाई। इसी तरह से आपको सेविंग फंक्शन के बारे में भी पता है, इट इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है, तो यहां पर माइनस सी बार, सी क्या है, मैं इधर कर रही हूं इसको, एस इक्वल्स, इधर देखिए एस इक्वल्स माइनस सी बार। हमारा सी बार 40 है, उसके आगे हमने माइनस लगा देना है।
ठीक है, फिर 1 माइनस बी करना है, हमारे पास बी की वैल्यू गिवन है 0.6, वो एमपीसी है, एमपीएस कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एमपीसी, यू नो एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये रिलेशनशिप हमने किया हुआ है। तो अगर आपके पास एमपीसी की वैल्यू है, आप एमपीएस की वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे, 1 माइनस एमपीसी करके, ठीक है। तो आपको एमपीसी की वैल्यू क्या गिवन है, 0.6, तो इसका मतलब आपके पास एमपीएस की वैल्यू क्या आ गई, 0.4। सो यहाँ पे आ गया 1 माइनस बी 0.4y, गॉट इट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। यहां तक किसी को कोई डाउट? राघव बेटे, आप क्लासेस ही नहीं अटेंड करते हैं, आज आए हैं, व्हाई इज इट सो? जगराज, आप भी बहुत दिनों बाद आए हो मेरे ख्याल से। यस, व्हाई यू नॉट रिस्पॉन्डिंग जगराज एंड राघव? Not responding. Okay. Next. The consumption function is given as, second question karte, C equals 40 plus 0.6y. Determine the saving function. क्योंकि consumption function given है, हमें savings determine करना है। सेविंग्स क्या होता है, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो इनकम माइनस कंजम्पशन की वैल्यू पुट कर दो, 40 प्लस 0.6y, ठीक है। तो हमारे पास सेविंग फंक्शन क्या आ गया, अगर हम ब्रैकेट खोल दें तो इधर माइनस आ जाएगा, 1y माइनस 0.6y, दैट इज 0.4y, ये क्या आ गया, -40। इसको हम इसके फॉर्मेट में ले आते हैं, ये माइनस सी बार, ये प्लस होगा 0.4y, रीराइट कर दिया उसको, ये वैल्यू इधर कर दी, वो वैल्यू उधर कर दी, ताकि ये इस फॉर्मेट में आ जाए, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज C equals 60 plus 0.6y. For the given consumption function, calculate break-even level of income. So, बेटे break-even level of income calculate करना है. What is the break-even level of income? Where C is equal to y. At break-even level of income, C is equal to y. So, C की वैल्यू पुट कर देते हैं, Y as it is लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 0.6 है, इधर 1y है, इसको उधर ले जाते हैं, इधर 60 रहने देते हैं, 1y माइनस 0.6y, 0.4y, so Y equals 60 divided by 0.4. तो ये आप कर लीजिए, ये चला गया आपका 2 पे, ये 5 पे, ये 30 पे, 5 × 3 ₹150। सो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम इज ₹150, यानी जब इकोनॉमी की इनकम ₹150 होगी तो उसकी कंजम्पशन भी ₹150 रहेगी। यहां पर इकोनॉमी ब्रेक इवन करेगी, यानी कंजम्पशन विल बी इक्वल टू इनकम एंड सेविंग्स विल बी इक्वल टू 0, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनदर क्वेश्चन।
इफ नेशनल इनकम इज रुपीज 50 करोड़, नेशनल इनकम यानी वाई सेविंग्स इक्वल टू रुपीज 5 करोड़, फाइंड एपीसी। पहला क्वेश्चन ये है, क्या फाइंड करना है आपको, एपीसी। फिर कहा है व्हेन इनकम राइजेस टू रुपीज 60 करोड़, यानी वाई वन हो गया 60 करोड़ एंड सेविंग्स टू 9 करोड़, यानी एस वन हो गया 9, व्हाट विल बी एपीसी एंड एमपीएस। दिस इज द क्वेश्चन, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। इफ नेशनल इनकम इज 50, सेविंग्स आर 5, कैलकुलेट एपीसी। नाउ इफ इनकम इंक्रीजेस टू रुपीज 60, सेविंग्स इंक्रीजेस टू रुपीज 9, फाइंड एपीसी एंड एमपीएस। ठीक है, सो तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले एपीसी, ठीक है, एपीसी इज इक्वल टू सी ओवर वाई। नाउ वाई इज गिवन टू बी 50, सी नहीं गिवन, सी क्या होगा, इनकम माइनस सेविंग्स, ठीक है, दैट इज 50 माइनस 5 कम्स आउट टू बी 45। बेटे हमें पता है अगर इनकम और कंजम्पशन, इनकम कंजम्पशन सेविंग्स तीनों में से अगर एक चीज मिसिंग है तो हम निकाल सकते हैं बाय द रिलेशनशिप दैट सी प्लस एस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब कंजम्पशन आ गई, इनकम आ गई, एपीसी कैलकुलेट कर लो, 45 डिवाइडेड बाय 50, 9 डिवाइडेड बाय 10, 0.9, ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट एपीसी 0.9। फिर कहा अगर इनकम बढ़ गई, सेविंग्स बढ़ गई, अब एपीसी कैलकुलेट कर, इस लेवल ऑफ इनकम पे आपको सेविंग्स कैलकुलेट करनी है। ऑल राइट, सेकेंड लेवल ऑफ इनकम पे आपको क्या गिवन है, यू आर गिवन वाई इक्वल टू 60, यू आर गिवन सेविंग्स इक्वल टू 9, फाइंड आउट कंजम्पशन विच इज 60 माइनस 9। एट दिस लेवल ऑफ इनकम ए पी सी, सी ओवर वाई 51/60। अब इसी लेवल पे एम पी एस भी कैलकुलेट करना है। एम पी एस, व्हाट इज एम पी एस, डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। ठीक है, तो सेविंग्स बेटे पहले 5 थी, अब 9 हो गई, तो डेल्टा एस कितना रहा, 9 माइनस 5। इनकम पहले 50 थी, अब 60 हो गई, तो कितना चेंज आया, 60 माइनस 50, दैट इज 10। तो 4/10 इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, कर लीजिए इतना क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the consumption function, C equals C bar plus BY, calculate savings at income equal to 2000 if autonomous consumption is 150 crore and 40% of additional income is consumed। ये क्वेश्चन है आपका। तो जब भी बेटे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं
उसकी सोल्यूशन जब हम फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है कि इनकम 2000 है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 150 है, और बताया है कि 40% ऑफ द एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, यानी एमपीसी 40/100 यानी कि 0.4 है। 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, यानी जब आपकी इनकम 100 रुपए से बढ़ती है तो आप 40 रुपए कंज्यूम कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एमपीसी क्या रहा? 0.4। अब कैलकुलेट क्या करनी है? सेविंग्स एट इनकम इक्वल टू 2000, उसके लिए आपको दो तरीके हैं। एक, आप ये सी फंक्शन में वैल्यू पुट कर दो, इनकम में से माइनस कर दो। दूसरा, आप इसमें से सेविंग फंक्शन निकाल लो, ठीक है, और आप वाई की वैल्यू 2000 पुट करके सेविंग फंक्शन निकाल लो, सेविंग निकाल लो, ठीक है। सो वी नो दैट एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो एस इक्वल सी बार कितना है? 150, इसके आगे माइनस लगा दीजिए। बी कितना है? 0.4, 1 माइनस 0.4 0.6। ये आ गया हमारा सेविंग फंक्शन। अब हमें किस लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग निकालनी है? 2000 पर। सो एट y इक्वल टू 2000 s इक्वल्स माइनस 150 प्लस 0.6 इनटू 2000, ठीक है। ये क्या आ गया? 1200 में से 150 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ गया सेविंग्स विच इज इक्वल टू 1000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। सेविंग फंक्शन इज गिवन एज एस इक्वल्स माइनस 120 प्लस 0.4y। Determine 1. Consumption function. Number 2. Consumption at income equal to 600. Number 3. Break even level of income. ये आपको calculate करना है और कुछ information आपको given है, ठीक है। आपको सेविंग फंक्शन गिवन है, आपको कंजम्पशन फंक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? C इज इक्वल टू y माइनस s, C इक्वल्स y माइनस माइनस 120 प्लस 0.4y, ठीक है। इसको खोल देते, C equals y, ये खुल जाएगा ब्रैकेट, तो 1y माइनस 0.6y, 0.4y क्या आ जाएगा? 0.6y, ये माइनस माइनस प्लस 120। इसको हम इस फॉर्मेट में ले आते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, ये कॉफिशियंट आ गया, ये इनकम आ गया, ये आ गया हमारा कंजम्पशन फंक्शन। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। Second part, calculate C when Y is equal to 6000. So at Y equal to 600, C is equal to, तो C की वैल्यू है आपने आपके पास, उसमें सिर्फ Y की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, 120 प्लस 0.6 इंटू 200, ठीक है। सो ये आ गया 360, ठीक है, 610 इंटू 600, ये चला गया 6630, सो 360 प्लस 120 रुपीज
480, ये आपके पास आ गया कंजम्पशन एट इनकम इक्वल टू 600 रुपीज। ठीक, नेक्स्ट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, दैट इज दैट लेवल ऑफ इनकम वेयर सी इज इक्वल टू वाई। तो सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, सी इज व्हाट 120 प्लस 0.6y, दिस इज इक्वल टू y, इसको इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा 1y माइनस 0.6y 0.4y, y इक्वल्स 120 ओवर 0.4। ठीक है, तो 10 ऊपर चला गया, ये आ जाएगा आई गेस रुपीज 300, एम आई राइट, 120 ओवर 4 इंटू 10, सो 4 3s are 12, 300, यस, एट इनकम इक्वल टू रुपीज 300 देयर इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज एट दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज ऑल्सो इक्वल टू रुपीज 300। ठीक है,